नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जरूरी बातें। जैसा कि आपको मैंने पिछले अपने एक वीडियो में बताया था म्यूचुअल फंड आपको क्यों खरीदना चाहिए और कैसे खरीदना चाहिए, पर इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा क्या वाकई आपको म्यूचुअल फंड खरीदना भी चाहिए या आपके लिए म्यूचुअल फंड जरूरी है, या फिर आपके लिए जरूरी है तो कौन सा फंड जरूरी है। मार्केट में आपने कई तरीके के नाम सुने होंगे, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो बताया था, कई बैलेंस फंड होते हैं, सेक्टर फंड होते हैं, इस तरीके से काफी फंड आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पर मार्केट में सही फंड का चुनाव कैसे करें और क्यों आपको म्यूचुअल फंड से कभी कभी दूरी भी बनानी चाहिए, इन सब बातों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप अभी टीवी पे एड देख रहे होंगे कि हर दो चार एपिसोड के बाद में एड के बाद में आपको एक सुनाई देता है म्यूचुअल फंड सही है यार। टीवी पे एक आदमी है जो अपने बताता है कि मासिक खर्चे में उसके 500 रूपये बचते हैं, उसका फ्रेंड बोलता है म्यूचुअल फंड में डाल दो, तो बोल रहा है मेरे पास छोटी सी रकम है, बोलता है कि कोई बात नहीं 500 रूपये से शुरू हो सकती है, तो वो बोलता है सही है यार। एक्चुअली है क्या ये कैंपेन आपको ऐसे ही लगेगा जिस तरीके के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसे पहले भी आया था कि स्कूल चले हम, इस तरीके के म्यूचुअल फंड सही है यार, एक इस तरीके से इन्होंने बना लिया है, आपको ऐसे लगेगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये एक एड है जिसमें गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये पूरी जो जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनका सबका एक कैंपेन है, ज्वाइंट कैंपेन है, जिसमें ये आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए बता रहे हैं। अब आपको सबसे पहले बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड कई तरीके से होते हैं। आपको कोई बोलता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, कोई बोलता है बैलेंस फंड में निवेश करें, तो कोई सेक्टर फंड में निवेश करें। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो सेक्टर फंड भारत में वैसे भी अगर मार्केट में आप जाएंगे तो आपको 12 तरीके के सेक्टर मिलेंगे। वैसे फार्मा सेक्टर है, अब फार्मा सेक्टर में आप यहां तो निवेश इसलिए मेरी समझ में नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पास उतनी ज्यादा कंपनी नहीं है, इसलिए सेक्टर फंड में निवेश करना उन कंट्री में अच्छा होता है जैसे अमेरिका हो गया, जहां पे 6-7 हजार कंपनियां सिर्फ एक ही सेक्टर में लिस्टेड है, पर भारत में इतना नहीं है, इसलिए सेक्टर फंड से आपको बचना चाहिए। नंबर दूसरा हो गया कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है उसको किसी भी तरीके से आप टैक्स में निवेश के बचाने के तौर पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स में बचत नहीं होती है। हाँ, अगर टैक्स सेवर प्लान अगर आप खरीदते हैं तो ठीक है, पर उन प्लान्स में लॉक इन पीरियड होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। कई लोग सिर्फ इसीलिए म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं क्योंकि उनको उनके जो एडवाइजर होते हैं वो गलत एडवाइस करते हैं और बताते हैं कि इससे आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बचेगा, पर आपको याद रखना चाहिए अगर लॉक इन पीरियड में और कुछ एक टाइम जो बींग है उसके दौरान आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, और म्यूचुअल फंड सभी लोगों के लिए नहीं सही होता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप कितना भी आपको कुछ कहे 4 से 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। नंबर दूसरा है, आपसे अगर कोई बोलता है कि नहीं आप 1 लाख रुपए के कोई फंड खरीद लो तो बिल्कुल नहीं, आपको हमेशा SIP के थ्रू ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और SIP आपको क्या होता है कि जो भी आपका एक तरीके से फ्लोटिंग रेट में आपको मिलता है कोई भी किसी की भी यूनिट, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जिस तरीके से शेयर में आप शेयर खरीदते हैं उसी म्यूचुअल फंड्स में आप यूनिट्स खरीदते हैं, वो यूनिट्स कौन कौन सी मतलब किस तरीके से डिसाइड होती है वो आपका उस सेक्टर म्यूचुअल फंड्स में जितने भी शेयर्स होते हैं उनकी जो एवरेज होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। इसके लिए अगर आपको बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था म्यूचुअल फंड्स से निकले शेयर, उसमें आपको मैंने बताया था कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से शेयर होते हैं, मैंने टॉप 5 या 6 म्यूचुअल फंड्स का एग्जाम्पल लिया था जिसमें कि आपको बताया था कि कौन कौन से मैक्सिमम सारे म्यूचुअल फंड्स में लगभग जो मेजोरिटी थी उन्हीं शेयरों की थी। और नंबर दूसरा होता है कि आप जो बोलते हैं कि आपको अगर किसी ने बोल दिया म्यूचुअल फंड में आप मतलब निवेश करते रहिए और आपको इससे फायदा होगा, ऐसा भी नहीं है। म्यूचुअल फंड का आपको निवेश तो करते रहिए फायदा होगा, पर कम से कम अगर आपको 3 साल से कम में आपको नहीं से कम का निवेश नहीं करना है और मेरी समय 5 से 7 साल का ड्यूरेशन आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे तभी आपको फायदा होता है। पर यह भी नहीं है कि नहीं आपको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि ये मार्केट रिस्क है। और दूसरा आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर बाजार गिर गया है और आप सोच रहे हैं नहीं अभी म्यूचुअल फंड नहीं, आपको बाजार गिरते हुए बाजार में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग जब आपको मिलता है किसी चीज का तो वो बहुत ही इंटरेस्टेड होता है और
उसका है मजा ही एक दूसरा है। जैसे कि आपने एक यूनिट आपकी 100 रुपए की है और बाजार में अगर वही जब मार्केट गिरेगा तो वही यूनिट हो सकता है 50 रुपए किया जाए, तो दूसरी यूनिट आपकी जो टोटल एवरेज होता है 150 रुपए में आपकी 2 यूनिट और 1 यूनिट का रेट 75 रुपए होता है। ये एक तरीके से आपको कंपाउंडिंग होता है, इसका लाभ मिलता है। इसलिए गिरते हुए बाजार में या उठते हुए बाजार में इसका आपसे आपको मतलब नहीं रखना, आप SIP के थ्रू कंटिन्यू निवेश करते रहिए। और नेक्स्ट है कि आप अपने म्यूचुअल फंड का ये इसके किसी के ऊपर मत छोड़ दीजिए। आप उसमें पक्का ये देखिए कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो किस तरीके का रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके लिए आप क्वार्टरली या साल में एक बार अपने म्यूचुअल फंड में रिव्यू पक्का करें। पर ये भी नहीं करना है कि हर, क्योंकि कई होते हैं म्यूचुअल फंड से मतलब सोचते हैं कि इससे दूसरे में स्विच कर जाए, ये नहीं करना है। आपको जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड हैं अगर वो ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है तो आप कंटिन्यू उसी में इन्वेस्टेड रहे। अब आपको एक मैं और बात बताता हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो भी बहुत इंटरेस्टेड बात है। लोगों के दिमाग में एक ही बात रहती है कि म्यूचुअल फंड से हम अपने जो पैसा है बचा रहे हैं। वो एक बचाने का तरीका तो ठीक है, आप बचा रहे हो, पर हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन होती है वो आपके जो बचत को बीट करती रहती है हमेशा। उसके ऊपर मिलने वाले जो गेन है वो इन्फ्लेशन को बीट कर जाए, ऐसा बहुत ही नॉर्मली बहुत कम देखा जाता है। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है, सॉरी, आपका म्यूचुअल फंड 15 से 20% का रिटर्न देगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। पर हाँ, अगर आपका म्यूचुअल फंड 12% का भी रिटर्न देता है तो इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत तो बीट कर ही सकता है। पर अगर आप देखें कि म्यूचुअल फंड्स में एक निवेश जब आप करते हैं तो आपको कभी भी 1 साल से कम के अंदर में पैसा नहीं निकालना है। होता क्या है कि आप 1 साल के अंदर कम में आप पैसा निकाल लेते हैं, उस टाइम पे आपको तो लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ फायदा हो गया, पर आपके ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपके ऊपर चार्ज होता है और एग्जिट लोड लगता है वो भी आपसे चार्ज होता है, तो उसके बाद जो आपको मिलता है वो बहुत कम रह जाता है। तो परसेंटेज कोई कोई पॉइंट्स में लेती है, कोई 1% 2% तक आपका कट लेती है, तो इसलिए इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। और म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपकी FD नहीं है, म्यूचुअल फंड एक तरह से कंपाउंडिंग है, आप रिकरिंग टाइप में अपने उससे कर रहे हैं। इसलिए कभी भी ये ना करें कि इसको आप इन्वेस्टमेंट का जो है ये ट्रेडिंग का कोई प्लेटफॉर्म समझ ले कि नहीं शेयर मार्केट में लिंक्ड है तो हम उससे इसमें बार बार अंदर बाहर करें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपको उसमें रेगुलर रहना है फिर। और दूसरा कि म्यूचुअल फंड में आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी भविष्य की आवश्यकताएं क्या है, आप कितने समय तक उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड डालें। क्योंकि आपको हर कोई तीसरा व्यक्ति मिल जाएगा ये कहते हुए कि म्यूचुअल फंड सही है यार, म्यूचुअल फंड सही है यार। पर आपको यही पता होना चाहिए कि जो भी फंड मैनेजर होता है उसका एक ही एम होता है, किसी भी तरीके से अपने फंड को बेचो, अपने म्यूचुअल फंड को बेचो। और उनको बेचने पे उनको जो आप जब उसको खरीदते हैं तो उनको कमीशन मिलता है, उनको 2% के आसपास कमीशन मिलता है। और उनका हर हाल में एम यही रहता है कि आप, बहुत ही कम फंड मैनेजर ऐसे होते हैं जब उनका फंड खराब काम करता है तो मतलब आपके 1 या 2% ही ऐसे होंगे जो आपको पैसा एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। क्योंकि कई फंड्स ऐसे होते हैं जब फंड्स खराब काम करता है तो पैसा नया इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर देते हैं, पर ऐसा आजकल ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। हर कोई अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप में इन्वेस्टेड करवाना चाहता है जिससे कि उसका कमीशन बने, उनको कमीशन से मतलब होता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको मोटा मोटा म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी है म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उनको बिल्कुल दूर करने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो करता हूँ वाइंड अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।